हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी क्लास फोर्थ मोरल चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज बीइंग ऑनेस्ट। इन फर्स्ट पार्ट आई हैव टॉट टू हेयर एंड इन दिस पार्ट एंड इन दिस वीडियो आई विल टीच यू फ्रॉम हेयर। Some saw in these coins the biggest diamond or precious stone. Some saw कुछ लोगों ने देखा इन these coins इन सिक्कों में the biggest diamond सबसे बड़े हीरे। The biggest diamond में सबसे बड़े हीरे दिखाई दिए और precious stone और बहुमूल्य पत्थर दिखाई दिए। जो सिक्के थे जो बूढ़े व्यक्ति ने लोगों को दिए थे, मतलब कस्टमर्स को दिए थे, तो कुछ कस्टमर को उसमें बड़े बड़े हीरे दिखाई दिए और कीमती पत्थर दिखाई दिए। प्रीसियस स्टोन मीन्स बहुमूल्य पत्थर दिखाई दिए। अदर्स सॉ ए वर्क ऑफ आर्ट। अदर्स सॉ कुछ लोगों ने देखा, अदर्स में दूसरे लोगों को, सो में दिखाई दिए, ए वर्क ऑफ आर्ट्स मतलब कलाकृति। कलाकृति मतलब कला की कलाकारी, मतलब कला का वर्क। वर्क ऑफ आर्ट्स का मतलब है किसी भी चित्रकारी का कार्य दिखाई दिया। सम सॉ ए रैलिक। सम कुछ लोगों को सौ में दिखाई दिए ए रैलिक। रैलिक में था मनुस्मृति, मतलब किसी के चिन्ह। मनुस्मृति मतलब जो पुराने मूर्ति होती हैं, पुराने कुछ चित्र होते हैं जिनसे पुराने समय की याद करें, मनुस्मृति। एंड सम सॉ मैरेक्यूलस हीलिंग पोर्शन। एंड सम सॉ और कुछ को दिखाई दिए मैरेक्यूलस मीन्स चमत्कारी। हीलिंग होता है आरोग्य प्रदान है, आरोग्य। पोर्शन मीन्स खुराक। कुछ लोगों को वो बहुत ही मैरिकुलस चमत्कारी दवाई दिखाई दी, दवाई की खुराक दिखाई दी। व्हेन द ओल्ड मैन गिवन अप ट्राइंग टू फाइंड एन ऑनेस्ट पर्सन द ग्रीडी नेवर सेंट हिज नेफ्यू टू द ओल्ड मैंस बिजनेस टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट टू इंस्ट्रैक्ट द बॉय टू रिटर्न द ओल्ड मैंस मनी। वैन जब द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने हैव गिवन छोड़ दिया ट्राइंग कोशिश करना टू फाइंड ढूंढना ढूंढने की कोशिश करना छोड़ दिया एन ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति। जब बूढ़े व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने की तलाश को ढूंढना का प्रयास करना बंद कर दिया, ढूंढने का जो प्रयास कर रहा था वो बंद कर दिया। व्हेन द ओल्ड मैन हैव गिवन द ट्राइंग मैंने प्रयास करना बंद कर दिया टू फाइंड ढूंढने का एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब एक ईमानदार व्यक्ति। जब बूढ़े व्यक्ति ने एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास खत्म कर दिया, बंद कर दिया। द ग्रीडी नेबर मतलब लालची पड़ोसी ने सेंट मीन्स भेजा हिजने भी अपने भांजों को टू दी ओल्ड मैन बिजनेस टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट। बूढ़े व्यक्ति के बिजनेस में इंटरेस्ट लेने में रुचि लेने के लिए टू इंस्ट्रक्ट और उसको सुझाव दिए, निर्देश दिए द बॉय लड़के को टू रिटर्न वापस करना है दी ओल्ड मैंस मनी, बूढ़े व्यक्ति के पैसों को वापस करना है। जब बूढ़े व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति की तलाश करने का प्रयास बंद कर दिया तो लालची नेवर ने अपने भतीजे को बूढ़े व्यक्ति के बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए भेजा और नेवर ने अपने भतीजे को, मतलब जो उससे लड़का था, उसको इंस्ट्रक्शन में ये निर्देश दिए थे टू रिटर्न द ओल्ड मैंस मनी कि बूढ़े व्यक्ति के पैसों को वापस करना है। जो सिक्के बूढ़े व्यक्ति देता था कोई कस्टमर वापस नहीं करता था, तो नेवर ने कहा, लालची ने पड़ोसी ने कहा अपने भतीजे से कि आप जो है बूढ़े व्यक्ति के जो पैसे हैं उनको रिटर्न कर देना है, ये सुझाव दिए थे, ये निर्देश दिए थे उसको। द नेफ्यू वॉज डिटरमाइंड टू डू सो बट ऑन रिसीविंग द एंशिएंट कॉइन्स ही सॉ इन देम ऑल पजेशंस एंड ऑनर्स ऑफ हिज ओवन अंकल। द नेफ्यू वॉज डिटरमाइंड टू डू सो भतीजे ने डिटरमाइन संकल्प लिया था, मैंने दृढ़ निश्चय किया था टू डू सो ऐसा करने का। भतीजे को ऐसा करने के लिए
संकल्प दिया गया। बट ऑन रिसीविंग द एंशिएंट कॉइन, बट लेकिन ऑन रिसीविंग प्राप्त करके दी एंशिएंट कॉइन, जैसी उसने जादुई सिक्कों को लिया, रिसीव किया, प्राप्त किया, एंशिएंट में जादुई कॉइन भी सिक्के, जैसे उसने जादुई सिक्कों को लिया, ही सॉ इन देम, ही मन उसने सो में देखा इन देम, इसमें ऑल पजेशन, सभी संपत्ति, ऑल पजेशन में सभी वस्तुएं, एंड ऑनर सम्मान ऑफ हिज ओपन अंकल, अपने चाचा का सभी सामान, पजेशन में सामान एंड ऑनर में सम्मान। जैसे लड़के ने उन सिक्कों को लिया तो उसमें उस लड़के को अपने चाचा का सभी सामान और सम्मान दिखाई दिया, उसे लगा कि ये मेरे चाचा का सामान है और मेरे चाचा के इसमें सम्मान है। बिलीविंग दैट व्हाट हिज अंकल हैड टोल्ड हिम वॉज ए ट्रिक, ही लेफ्ट हिज विद हिज यूजलेस कॉइन्स एंड हिज ग्रीड टू नो एंड। बिलीविंग विश्वास करते हुए, बिलीविंग विश्वास करके दैट व्हाट जो हिज अंकल उसके चाचा ने हैड टोल्ड हिम, जो उसके चाचा ने उसको बताया था, इसे विश्वास करते हुए लड़का कह रहा है बिलीविंग दैट व्हाट हिज अंकल हैड टोल्ड हिम, जो उसके चाचा ने बताया था उसे विश्वास कर वॉज ए ट्रिक, कि एक ट्रिक है, एक चाल है, जो उसके पिताजी चाचा ने उसको बताया था, लड़के को लगा, उसे विश्वास किया कि एक चाचा की कोई चाल है। ही लेफ्ट, वह निकल गया, वह चला गया विद हिज यूजलेस कॉइन्स, उन बेकार सिक्कों के साथ, उन बेकार सिक्कों को लेकर चला गया, एंड हिज ग्रीड, और अपने लालच के साथ, वह अपने उन सिक्के और अपने लालच के साथ चला गया, टू नो एंड, इसका कोई अभी अंत नहीं हुआ, बिना किसी अंत के, बिना किसी निष्कर्ष के लड़का उन बेकार सिक्कों को, जो सिक्के बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, उनको लेकर और अपने लालच के साथ वहाँ से चला जाता है। Since then, when his uncle learned of his betrayal, when his uncle उसके चाचा को learned भी पता चला of his betrayal, betrayal मतलब विश्वासघात, जब उसके चाचा को उसके विश्वासघात के बारे में पता चला, he made his nephew उनके भांजे को बैनिस, गायब कर दिया फोर एवर, समय समय जाके लिए, और उसके चाचा ने उसने अपने भतीजे को हमेशा के लिए गायब कर दिया, मतलब फिनिश कर दिया, भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। द रिच ओल्ड मैन सिक एंड डिप्रेस्ड डिसाइड टू कॉल हिज सर्वेंट बिफोर ही डिड, द रिच ओल्ड मैन अमीर बूढ़ा व्यक्ति सिक एंड डिस्प्रेड, बीमार और निराश हो जाता है, डिसाइड टू कॉल हिज सर्वेंट बिफोर ही डिड, मतलब कुछ करने से पहले मैं निश्चय करता है, अपने नौकरों को बुलाता है, डिसाइड टू कॉल हिज सर्वेंट बिफोर ही डिड, मतलब कुछ भी करने से पहले, मरने से पहले वो अपने नौकरों को बुलाता है। ही गेव देम सम पजेशंस सो डैट दे कुड लिव फ्रीली वैन ही वॉज नो लॉन्गर विद देम, ही गेव देम सम पजेशन, वह उनको कुछ वस्तु देता है, कुछ सामान देता है, ही गेव देम सम पजेशन, मतलब कुछ धन देता है, सो डैट ताकि दे कुड लिव रह सके फ्रीली, मैंने आज़ादी से, वैन जब ही वॉज नो लॉन्गर विद देम, नो लॉन्गर विद देम का मतलब वो ज़्यादा साल लंबे समय तक नहीं रहे विद देम उनके साथ, भाई बूढ़े व्यक्ति ने क्या करा, नौकरों को बुलाया और उनको कुछ पैसा धन दिया ताकि वो कुड लिव फ्रीली, आज़ादी से रह सके, वैन मीन जब ही वॉज नो लॉन्गर विद देम, जब उनके साथ बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ नहीं रहेगा, मतलब जब मर जाएगा बूढ़ा व्यक्ति, तो ये सब लोग जो नौकर उसके हैं वो फ्रीली मतलब आज़ादी से आराम से रहें। एमोंग दीज सर्वेंट, इन नौकरों में बौजे यूथ, एक नौजवान लड़का था, एमोंग दीज सर्वेंट इन नौकरों में बौजे यूथ एक नौजवान लड़का था, हु रिसीव्ड सम ऑफ हिज मनी बाई मिस्टेक, हु रिसीव्ड उसने प्राप्त किया सम ऑफ हिज मनी उसका कुछ धन बाई मिस्टेक गलती से, उसमें एक नौजवान सर्वेंट था, नौकर था, उस नौकर ने गलती से उस बुढ़े व्यक्ति का कुछ धन प्राप्त कर लिया था।
द यूथ रेज्ड इन हाउस ऑफ द वाइज एंड जस्ट ऑफ ओल्ड मैन, जस्ट ऑफ ओल्ड मैन. द यूथ रेज्ड, द यूथ में नौजवान लड़का रेज में उठा इन द हाउस घर में ऑफ द वाइज मैन एंड द जस्ट ओल्ड मैन. जस्ट ओल्ड मैन मीन्स लड़का उस बुद्धिमान और बूढ़े व्यक्ति के घर में उठ के खड़ा हुआ, मैं उठा रेज में बड़ा हुआ था, ऐसे बोले रेज में बड़ा हुआ था. द यूथ रेज में बड़ा हुआ था इन द हाउस घर में ऑफ द वाइज एंड जस्ट ओल्ड मैन. वह लड़का, वह नौजवान जो लड़का था, नौकर था, उस बूढ़े व्यक्ति के घर में बड़ा हुआ था. हुमी जो ही लव्ड, हु ही लव्ड लाइक ए फादर, हुमे जिसे ही लव्ड लाइक ए फादर, वह उस बूढ़े व्यक्ति को पिता के तरह प्यार करता था. सो इन प्लेस ऑफ मनी ए पावरफुल मेडिसन विच वुड क्योर द ओल्ड मैन से, उसने देखा, सो में देखा इन प्लेस ऑफ मनी में पैसे के स्थान पर उसने देखा ए पावरफुल एक शक्तिशाली मेडिसिन दवाई. उसने पैसे के स्थान पर उन वो सिक्के जो उसने लिए थे वो पैसे के स्थान पर उसको एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली दवाई दिखाई दी, दवाई दिखाई दी उसको विच वुड क्योर द ओल्ड मैन जो बूढ़े व्यक्ति को सही कर देगी. वो दवाई में दिखाई दी बूढ़े मतलब जैसे लड़के ने बूढ़े व्यक्ति का पैसा लिया तो उसको पैसे की जगह एक अच्छी खासी दवाई दिखाई दी, बहुत पावरफुल में शक्तिशाली दवाई दिखाई दी जो बूढ़े को ठीक कर देगी. सेइंग दिस, सेइंग टेक दिस, ये कहकर, सेइंग टेक दिस सर इट इज़ फॉर यू इट विल मेक यू फील बेटर. लड़के ने कहा सेइंग दिस, ये कहते हुए, टेक दिस ये लो सर, श्रीमान जी, श्रीमान जी ये लो, इट्स फॉर यू, ये आपके लिए, मतलब ये दवाई आपके लिए, इट विल मेक यू फील बेटर, ये आपको ठीक कर देगी. इट विल मेक यू फील बेटर मतलब ये आपको ठीक कर देगी, इसको खाकर आप अच्छा महसूस करेंगे. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो. फ्रॉम हियर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो. तो स्टूडेंट्स रिवाइज टू हियर एंड लर्न एवरी हार्ड वर्ड्स एंड राइट ऑल द हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम.